Hi, I'm Smita and welcome to my channel Urban Lady and welcome to another street food vlog. अब आप सोचोगे कि street food vlog है और पीछे मेरे beach है. Actually हुआ ये कि मैं मीरा भयंदर आई थी यहाँ के street food को explore करने, लेकिन मैं time से कुछ ज़्यादा जल्दी आ पहुँची तो street food अभी तक शुरू नहीं हुआ है. तो मुझसे कहा गया कि थोड़ा time अगर बिताना ही है तो भयंदर से थोड़े दूर जाओ और उत्तन beach पहुँचो, जिसे कहा जाता है mini Goa. तो मैं भी आ गई यहाँ पे एंड आई एम सो ग्लैड मैं यहाँ पर आई. मुझे यहाँ पे सच में गोवा वाली फील्स आ रही है. देखिए पीछे यहाँ पे चर्चेस है, सामने बीच है, खुली हवा चल रही है और क्या चाहिए टाइम पास करने के लिए. तो चलो देखते हैं उत्तन बीच. आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है यहाँ पे. अब जाने का वक्त आ गया है मीरा भयंदर के स्ट्रीट फूड को जो एक्सप्लोर करना है. तो चलते हैं वहाँ पे, मिलते हैं आपसे. ठीक है, लेट्स गो. तो अब मैं आई हूँ कुसुम रोल ट्राई करने इनकी फ्रैंकी. वैसे ये जो आउटलेट है ये ऑलमोस्ट 51 इयर्स ओल्ड है और इस आउटलेट के जो ओनर है वही कैरेक्टर है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो डॉक्टर हाथी का रोल जिन्होंने प्ले किया था, ये उन्हीं की जगह है. तो इसलिए जगह बहुत फेमस है और इनके रोल्स भी बहुत फेमस हैं. तो मैंने ऑर्डर किया है बेसिक एग चिकन रोल, जो कि दिखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. तो गर्मा गर्म है ये, तो इसको मैं ट्राई करती हूँ. ठीक है, ये खाने के बाद ना सच में मुंह में टेस्ट एक्सप्लोजन होता है. बाकी फ्रैंकी से अलग है इसका मसाला. चटपटा सा है, स्पाइसी सा है, बटरी है,
बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत टेस्टी है। अगर देखा जाए ना तो इसमें बाकी फ्रैंकीज के मुकाबले अनियंस का जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक कैलकटा रोल्स ऐसे ही होते हैं, डिफरेंट है और बहुत डिलीशियस है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हैवी है, एक इंसान के लिए एक रोल काफ़ी होगा। मुझे नहीं लगता मैं इसको फुल ख़त्म कर पाऊँगी, बट अ बिग थम्स अप, वेरी नाइस। अब मैं ट्राई कर रही हूँ काजू अंजीर मिल्क शेक, और जैसे कि आपने इसे बनते हुए देखा कि ये इतना ज़्यादा थिक है और इतना रिच है, मतलब देखकर ही मेरा पेट भर गया था, लेकिन मैं फिर भी इसको ट्राई करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। सो गुड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत थिक है और बहुत रिच है, शायद ही कोई हो जिससे ये ख़त्म हो पाएगा। दिस इज सो गुड, आई वुड हाईली रिकमेंडेड, ये बहुत टेस्टी है। आई जस्ट कांट स्टॉप माई सेल्फ, ये इतना टेस्टी है, पर किसी एक आदमी को इसे फिनिश करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत रिच है। इसकी बेस्ट बात पता क्या है, ये ज़्यादा मीठा नहीं है, इसमें कैशू का फ्लेवर आ रहा है, अंजीर का फ्लेवर आ रहा है, कोकोनट का भी एकदम सटल सा टेस्ट है, और क्रीम तो ऐसे भर के डाला हुआ है। दिस इज वेरी रिच एंड सो सैटिस्फाइंग। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो दोस्ती गोला एंड मिल्क शेक ज़रूर ट्राई कीजिए, उनका ये डिश जो है स्पेशली काजू एंड अंजीर मिल्क शेक, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कोकोनट शेल के साथ में। जैसे देख रहे हैं मेरा नाम शाब है और हमारी ये सेकेंड ब्रांच है, ये हमारी ब्रांच हमारे पहले डैडी की ब्रांच है जो है गुजरात महुआ में है, और ये मीरा रोड में रसाद थिएटर के अंदर सेकेंड ब्रांच हमारी है, दोस्ती गोला के नाम से है। आपके स्पेशल में बना रहे हैं बादशाही गोला, वो कैसे बनाते हैं हम आपको बताएंगे। ओके, यहाँ के जो ओनर थे इतने स्वीट थे, हमको ये महुआ स्पेशल बादशाही गोला इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है, जो कि दिखने से ही बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स इतना सारा डाला हुआ है, जेली है, गोला है, मलाई है, मतलब आप जो बोलोगे वो सब कुछ है इसमें। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड इसको ट्राई करने के लिए। सो गुड,
इतना रिफ्रेशिंग है ये। प्लीज़ यहाँ पर आइए और इनका महुआ स्पेशल बादशाही गोला ज़रूर ट्राई करना। मैं आ गई हूँ यहाँ पे भयंदर स्टेशन के भीड़ में और मैं ट्राई करने वाली हूँ नेशनल शवरमा। एक्चुअली जब मैं मीरा भयंदर के फेमस फूड जॉइंट के बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं नेशनल शवरमा को जरूर विजिट करूँ। पता नहीं इस जगह से ना लोगों के सेंटिमेंटल वैल्यूज जुड़े हुए हैं। अगर आप एक फूड ब्लॉगर हो और नेशनल शवरमा अगर आपने विजिट नहीं किया ना, तो लोग दिल पे ले लेते हैं। तो इसलिए काफ़ी ढूंढने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ ट्राई करने नेशनल शवरमा का शवरमा। देखते हैं ऐसी क्या बात है इनमें। ठीक है, चलो। तो मैंने ऑर्डर किया है क्लासिक चिकन शवरमा। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ओके। मैं रोक नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी और ये बहुत टेस्टी है। इसका जो मेयोनेज है ना एकदम क्रीमी है और चिकन को भी बहुत अच्छे से रोस्ट किया है। बहुत अच्छा है यार। और मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि सिर्फ 50 रुपये का है। अब मैं समझी कि क्यों लोग इतना क्रेजी है नेशनल शवरमा को लेकर। बहुत अच्छा है ये, रियली नाइस, रियली नाइस। और 50 रुपये में बहुत अच्छा है। मुझे याद है मैंने काटा रोड का जो शवरमा खाया था वो कुछ 170 रुपीज़ का था और ये सिर्फ 50 रुपीज़ का है और उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर आपको कांटा रोड तक नहीं जाना है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो लोकली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ आई हूँ तांडव टी स्टॉल, जहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है ये गर्मा गर्म पीच लेमन टी। तो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। इसमें ना सब्जा भी डाला हुआ है, मतलब इस मौसम के लिए एकदम आइडियल है। वेरी रिफ्रेशिंग। और इसी के साथ ख़त्म होता है मीरा भयंदर का ये फूड ब्लॉग। मतलब मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को कवर कर सकूं, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जगह ना बंद हो गई थी। जैसे सिंगापुर प्लाजा मॉल है, जहाँ से मुझे पाव भाजी खानी थी, मुझे पिज़्ज़ा खाना था, लेकिन वो मॉल ही पुलिस ने आकर बंद कर दिया, तो वहाँ नहीं जा पाई। फिर एक जलेबी वाले के पास मैंने जाने की कोशिश की, जो कि असली घी से जलेबी बनाता है, लेकिन उस जगह को भी बंद कर दिया गया है। तो आधी चीज़ें बंद है, आधी चीज़ें खुली हैं। तो जितना मुझसे हो सका मैंने चीज़ों को कवर किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी आइकॉनिक प्लेस को मैंने मिस आउट कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार उस जगह को विज़िट करूँ। और तब तक के लिए घूमो, खाओ, मुस्कुराओ। चीयर्स।